यहाँ हम लोग रियोट्रिक और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। तो हिंदी में अलंकारों को दो ग्रुप में बांटा जाता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। बट इंग्लिश में ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 8 ग्रुप में होता है। सबसे पहला है फिगर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, जिसमें आता है सिमिली, मेटाफर, फेबल, पैरेबल और एलिगरी। दूसरा है फिगर बेस्ड ऑन डिफरेंस, इसमें आता है ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, एपिग्राम, पैराडॉक्स, क्लाइमेक्स, एंटीथेसिस और बेथोस। फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन, इसमें आता है हाइपरलीज और ट्रांसफर्ड, एपिथाट, एल्यूजन, मेटोनिमी, सिनेडॉक। फिगर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इसमें आता है पर्सोनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण बोलते हैं, पैथेटिक फैलेसी, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफ, विजन। फिगर्स बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, इसमें आता है आयरनी, सार्कास्म, इनिंडो, पेरिफ्रेसिस और सर्कमलोकेशन, बातों को घुमा फिरा करके कहना, यूफेमिज्म। फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, इसमें आता है रियोट्रिक क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, कायस्मस, ज्युग्मा। फिगर बेस्ड ऑन साउंड, इसमें आता है पन और पेरनोमेसिया, ओनोमोटोपोइया एंड एलिट्रेशन। माइनर फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें आता है लिटोट्स, इन्वर्जन और हाइपरबेशन, लियोनाज्म। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिगर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी, जिसमें सिमली, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देर इज डेफिनेट एक्सप्रेशन और लाइकनेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स एज लाइक, सो एज, ETC। जैसे ही इज एज ब्रेव एज लायन, कैसा बहादुर है, तो शेर के जैसा। मेटाफर, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कॉम्पेरिजन बिटवीन टू एसेंशियली डिफरेंट आइटम्स इज इम्प्लाइड, नॉट एक्सप्रेसली स्टेटेड। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ कैमल अलग चीज़ है, शीप अलग चीज़ है, लेकिन क्या किया, कैमल को शीप के जैसा नहीं कहा, सीधा सीधा कैमल को ही शीप बना दिया। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, मेटाफोर को कंप्रेस्ड या इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं, क्योंकि दो भिन्न वस्तुओं के बीच बिल्कुल या स्पष्ट एवं सीधे सीधे तुलना नहीं की जाती। फेबल, छोटी कहानी के फॉर्म में है, इट इज़ अ शॉर्ट इमेजिनरी स्टोरी विथ अ मोरल, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे आर इंट्रोड्यूस्ड एज द थिंकिंग एंड टॉकिंग एजेंट्स। जैसे ऐसा फेबल हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, पैरेबल, इसको हिंदी में कहते हैं रूपक। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी नरेटेड इन 50 or 200 words, इट इल्यूमिनेट और इलस्ट्रेट एन आइडिया। एग्जाम्पल, द पैरेबल ऑफ गुड सैमरिटन, एलिगरी, एन एक्सटेंडेड नरेटिव विथ टू लेयर्स ऑफ मीनिंग, एक सरफेस मीनिंग है, एक इनर मीनिंग है, विद अ सरफेस मीनिंग एंड इनर मीनिंग, डिटेल्ड सीरीज ऑफ सस्टेन्ड मेटाफोर्स इम्प्लाइंग सम मोरल इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, गुलिवर ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट की। अब बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। इसमें सबसे पहला क्या है, ऑक्सीमोरॉन, टू आइडियाज ऑफ अपोजिट मीनिंग आर कंबाइंड। जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट कैसा, तो ओपन, जो सबको पता हो। लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ कैसा है, तो मीठा भी है, कड़वा भी है, बिटर स्वीट। क्रूअल काइंडनेस, केयरफुल केयरलेसनेस, फॉल्सली ट्रू, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑक्सीमोरॉन के। एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्टेड आइडियाज आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन अ बैलेंस्ड फॉर्म फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस।
जैसे एग्जांपल यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, या यूनाइटेड एंड डिवाइडेड दो चीज़ है, दो अपोजिट वर्ड है, उसको यूज करके सेंटेंस बनाया है. ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट, इतना खाओ जिससे जिंदा रहो, खाने के लिए मत जियो. बेटर टू रियान इन हेल देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में नौकर बन के रहने से अच्छा है नर्क में मालिक बन करके रहना. इपिग्राम, एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन लैंग्वेज विच गिव्स एक्सप्रेशन टू अ स्ट्राइकिंग थॉट क्रिएट्स ब्रिविटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड द स्मार्टनेस ऑफ फिनिश. एग्जाम्पल द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस. पैराडॉक्स, इट इज अ स्टेटमेंट विच दो इट एपियर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कंसिस्ट अ बेसिस ऑफ ट्रूथ विच रिकनसाइल्स द सीमिंग अपोजिट. देर इज नो वन सो पुअर एज अ वेल्दी माइजर, एक अमीर लेकिन वो कंजूस है तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है. पॉवर्टी इज द इन द लैंड ऑफ प्लेंटी, इंडिया कहते हैं सोने की चिड़िया है लेकिन सारे लोग गरीब हैं. आर एनिमीज आर ओफन आर बेस्ट फ्रेंड, हमारे शत्रु कई बार हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, हमेशा सचेत रहते हैं और हमेशा बेटरमेंट के लिए फोर्स करते रहते हैं. क्लाइमैक्स, अरेंजिंग आइडियाज और वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, ही स्माइल्ड ही लाफ्ड ही रोड. एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस, इसमें चीज़ों को ऐसे अरेंज किया जाता है कि वो अपना इम्पोर्टेंस लूज कर देता है और कई बार सिचुएशन जो है वो हास्यास्पद सी हो जाती है. अरेंजिंग वर्ड्स और आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस द इफेक्ट बींग ल्यूडिक्रस, ही लॉस्ट हिज फादर हिज मनी हिज कैट. पोएट्स एंड पिग्स आर अप्रिशिएटेड आर नॉट अप्रिशिएटेड अंटिल दे आर डेड. फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन, हैपलीज और ट्रांसफर्ड इपिथाट, इसमें ट्रांसफरिंग क्वालिफाइंग एडजेक्टिव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, दे मार्च्ड अ वियरी वे. टू स्कॉन डिलाइट एंड लीव लेबोरियस डे, प्रसन्नता को प्रसन्नता पे भौं चढ़ाना और मेहनत वाले दिनों को पसंद करना. अल्यूजन, इल्यूजन नहीं अल्यूजन, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच रेफरेंस इज मेड टू सम नोन पास्ट इंसिडेंट्स और सेइंग नाउ वी क्लैप आवर हैंड्स एंड क्राई यूरेका इट इज क्लियर. यूरेका जो वर्ड है वो साइंटिफिक कंटेक्स्ट में यूज होता है और वो एक डिस्कवरी से रिलेटेड है. यू आर इनवल्नरेबल, यू हैव नो एचिलीज फीट. एचिलीज बहुत बड़ा योद्धा था लेकिन उसका पूरी मतलब उसके पांव जो है वो नाजुक अंग थे, उसके संदर्भ में कह रहा है. मेटोनमी, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट और आइडिया इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर टू विच इट हैज सम रिलेशन. अब वर्ड जो है उसका किसी एक दूसरे थीम से एक रिलेशन है. ही थ्राइज रिफ्यूज द थ्रोन, उसने तीन बार गद्दी से मना कर दिया. यहां पर थ्रोन का क्या मतलब है, सोवर्निटी. द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, यहां पेन किसको सिम्बलाइज कर रहा है, राइटर को, और सोर्ड जो है वो किसको सिम्बलाइज कर रहा है, फाइटर को. तो राइटर जो है वो ताकतवर है फाइटर से. द केटली इज बॉयलिंग, ऑब्वियसली केटली बॉयल नहीं करेगी, केटली के अंदर का वाटर बॉयल करेगा. सिनेडॉग, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ पार्ट ऑफ अ थिंग इज पुट फॉर द होल, थोड़े से पूरे को बताया जाता है या पूरे से थोड़े को. अ फ्लीट ऑफ 30 सेल, अब सेल जो है वो किसी शिप का एक पार्ट है. द लेविस मॉइस्चर ऑफ द मेल्टिंग ईयर, सीधा सीधा नहीं कह रहा बारिश का मौसम, उसके लिए क्या कह रहा, द लेविस मॉइस्चर ऑफ द मेल्टिंग ईयर. सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन, यहाँ पर मतलब ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, सीधा सीधा क्या कह रहा है, सिल्वर एंड गोल्ड, जिसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, रिचेस.
figures of speech based on imagination. सबसे पहला क्या है? Personification, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण. Inanimate objects or abstract ideas are given human attributes. Death lays his icy hand on kings. यहां मौत को मनुष्य की तरह ट्रीट किया है, कह रहा है कि मौत ने अपने सर्द हाथ राजा के सर पे रख दिए. The sun began to rain his heavenly course. सीधा नहीं कह रहा है कि दिन जो है वो ढल गया या दिन आगे बढ़ा. Pathetic fallacy. In this figure of speech, nature or inanimate object is represented as echoing the feelings of man or showing interest in human action. Shakespeare use करते थे इस चीज को, या और भी पुराने जमाने के 14वीं 15वीं शताब्दी के जो लेखक और कवि होते थे वो इस चीज को यूज करते थे. वो ये मानते थे कि नेचर जो है उसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और अगर ह्यूमन लाइफ या वहां पर कोई टर्मोइल आ रहा है किसी बड़े आदमी के साथ, तो नेचर जो है उसको सिंबलाइज करता है. द अर्थ इज वीपिंग एंड क्राइंग फॉर हर माइटी सन्स. नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज अ मैन. हाइपरबोल, इसमें किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है. एन एग्जैगरेशन, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना. इन लैंग्वेज, इंटेंडेड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर इंप्रेशन ऑन द माइंड. 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस. डेफोडिल के बारे में कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ. व्हाई मैन, इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स. एपोस्ट्रोफ, इसमें क्या है कि एक सर्टेन फीलिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है. इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्सन नॉट प्रेजेंट और पर्सनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन इज एड्रेस्ड. मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर. ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन दाई फेस. विजन, When a writer or speaker brings to his mind some absent or imaginary picture and represents with such graphic reality as though it were actually present to the senses. Example kya hai? Pride in their port, defiance in their eye, I see the lords of humankind pass by. Lo, in that house of misery, a lady with a lamp I see. Figures of speech based on indirectness. सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल है irony. Presenting things in a way that suggests approval, but actually it is being ridiculed. किसी चीज़ का उपहास कर रहा है, लेकिन उसमें वर्ड जो यूज़ किया है वो ऐसा है जैसे कि अप्रूवल हो. यहाँ पर जूलियस सीजर से कोट किया गया है शेक्सपियर ने. Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. ब्रूटस को ऑनरेबल मैन कह रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कहना चाह रहा है कि ब्रूटस इज नॉट ऑनरेबल. हियर ऑनरेबल जो है इट मींस डिसऑनरेबल. अ वेरी फाइन फ्रेंड ऑफ यू वेयर टू फॉरसेक मी इन माय ट्रबल. तुम बहुत अच्छे दोस्त हो कि मेरे मुसीबत के समय मुझे छोड़ दिया. यहाँ फाइन फ्रेंड का नेगेटिव मीनिंग है. सार्कास्म, इट इज अ कॉस्टिक एंड हैवी यूज ऑफ apparent praise for actual dispraise. तारीफ कर रहा है और तारीफ इतनी है, इस ढंग से तारीफ है कि वो तारीफ कम निंदा ज्यादा है. God made him and therefore let him pass for a man. क्योंकि भगवान ने उसे बना दिया तो मान लो कि वो भी इंसान है. Some infidels said about Christ that he saved others but himself he could not save. कुछ काफिर या कुछ ऐसे लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वो क्राइस्ट के बारे में कहते हैं कि उसने तो सबों को बचाया लेकिन खुद को नहीं बचा सके. इन्यूंडो, समथिंग अनप्लीजेंट इज हिंटेड एट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लेनली स्टेटेड. इट जनरली पॉइंट समथिंग डैमेजिंग टू द कैरेक्टर और रेपुटेशन. इसमें किसी चीज़ को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया जाता है और कुछ ऐसा कहा जाता है जिससे उस चीज़ का कैरेक्टर या रेपुटेशन खराब हो. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स वेयर पुअर बट ऑनेस्ट. कहना क्या चाह रहा है कि पुअर मैन ऑनेस्ट नहीं होते. सी नेवर कंसल्टेड डॉक्टर्स फॉर सी होप टू डाई विदाउट देम. उसने कभी डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया, वो उम्मीद करती थी कि वो उनके बिना ही मर जाएगी.
यहाँ पे डॉक्टर को डॉक्टर ना मान करके उसे क्या ग्रेव डिगर कंपेयर किया गया है, मतलब जो कब्र खोदने वाला है। पेरिफ्रेसिस और सर्कमलोकेशन, ये चीज़ों को घुमा फिरा करके बोलने की कला है। एक्सप्रेसिंग अ थिंग इन अ राउंड अबाउट वे इंस्टीड ऑफ सेइंग इट डायरेक्टली। लुक एट द ग्लोरियस लैम्प ऑफ द डे, सीधा नहीं कह रहा कि सूरज की ओर देखो, सूरज को क्या कह रहा है, ग्लोरियस लैम्प ऑफ द डे। ही हैज स्लेप्ट अ स्लीप दैट नोज नो वेकिंग, सीधा नहीं कह रहा कि वो मर चुका है, वो एक ऐसी नींद में सो गया है जो जिसमें जगने की बात नहीं है। Euphemism, this consists of making agreeable statement about something disagreeable. It is the substitution of a mild expression for a harsh one. किसी harsh चीज़ को कहने का एक mild तरीका। ये नहीं कहना कि भाई उसकी गद्दी छिन गई, he was relieved of his crown, मतलब पता नहीं crown जो है वो कितना बड़ा बोझ है। ये नहीं कहना कि तुम जेल में थे, ये कहना कि भाई वो सरकारी मेहमान थे। He was her majesty's guest for 5 years. यहाँ her majesty's guest का क्या मीनिंग है, in prison. You are telling fairy tales. Fairy tales का क्या मतलब है, lies. अब इसके आगे जो रह रहा है वो नेक्स्ट सीरीज में करके दूंगा।